गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मेरा कोई ब्लॉग नहीं होगा, मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। और मैं किसके बारे में बात करूंगी वो आपने टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि मैं किस बारे में बात करूंगी। तो हाँ जी, आज मैं बात करूंगी अयान मॉम एंड ब्यूटी के बारे में। तो मैं उनकी वीडियो हमेशा देखती रहती हूँ और कल रात मैंने उनका एक वीडियो देखा था, तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करूंगी, यानी कि रमा जी और गौरव जी के बारे में। और मैं हमेशा उनके करीब, मुझे 2.5 साल हो गए जब से मैं उनकी वीडियो देखती रहती हूँ, तो आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना थोड़ी सी बात करनी चाहिए, क्योंकि उनके कॉमेंट मैंने पढ़े थे तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी गंदे गंदे कॉमेंट कर रहे थे उनकी जो भांजी थी नंदिनी के बारे में, उनके पति के बारे में। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी बात करती हूँ। आज भी कई लोग ऐसे हैं, पता नहीं क्या सोच समझ के कमेंट करते हैं, सुनते कुछ भी नहीं है, समझते कुछ भी नहीं है, बस फटाफट कमेंट कर देते हैं। तो आज मैं बात करूँगी नंदिनी के बारे में, जो कि उनकी भांजी थी। तो उसके बारे में कई लोग इतनी सारी बातें करे जा रहे हैं कि रमा ने उसको अपने घर से निकाल दिया है और उसको अपने घर छोड़ा ही है जाके। तो मैं बता दूं, मैं काफ़ी दिनों से उनकी वीडियो देख रही हूं, तो मुझे पता है। जो लोग रेगुलर देखते हैं किसी का वीडियो, तो उनकी फैमिली के बारे में हर चीज़ उनको पता होती है, क्योंकि जो यूट्यूबर हैं, हम जो ब्लॉग बनाते हैं, लेडीजें हैं या फिर जेंट्स हैं, तो वो अपने ब्लॉग में हर चीज़ दिखाते हैं, अपनी फैमिली के बारे में दिखाएंगे, अपने बारे में दिखाते हैं, हर चीज़, कोई ऐसी चीज़ छुपाते नहीं है। हाँ, बस इतना होता है जो चीज़ जहाँ तक हम कंफर्टेबल रहते हैं वहाँ तक हम वो चीज़ दिखाते हैं, और जिस चीज़ पे हम कंफर्टेबल नहीं होते वो चीज़ हम नहीं दिखाते हैं। तो हर इंसान को पता होता है, जो उनके ब्लॉग देखते हैं तो उनको पता होगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, नंदिनी को उन्होंने भगाया नहीं है, नंदिनी अपनी मर्जी से गई है। हो सकता है उसके मम्मी पापा को उसकी ज़रूरत हो, इसलिए उसको बुला लिया है। 3 साल से वो अपने पास उसको रख रही थी, तो कभी भी उसको भी ऐसी महसूस नहीं हुआ है कि उसकी वो मौसी हैं। मालूम क्या होता है, ये इंडिया है, यहाँ पे मालूम मौसी को एक माँ का दर्जा दिया गया है, तो एक माँ का दर्जा होता है मौसी का। और उन्होंने, रमा जी ने भी कभी भेदभाव नहीं किया अपने अयान में और उसमें नंदिनी में, क्योंकि मैंने देखा है ये चीज़। उन्होंने अपनी बेटी की तरह उसको हमेशा रखा है जब से वो आई थी उनके पास। तो वो गई भी है तो उसकी मर्जी से गई है, और उस बेचारी छोटी सी लड़की है, अभी ज़्यादा एज भी नहीं है उसकी, उसको भी सफाई देनी पड़ रही है। उसका भी मैंने वीडियो देखा था, वो अपनी मौसी के ब्लॉग में आई थी, जो उसकी छोटी मौसी है, शायद उनका नाम शिवानी है, उनके मैं ज़्यादा वीडियो देखती नहीं हूँ, तो उसमें मैंने देखा था वो सफाई दे रही थी कि मेरी मौसी के बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी मौसी ने मुझे भगाया है। तो बस यही मैं कहना चाह रही हूँ, किसी के बारे में अगर आपको इतना पता नहीं होता तो कॉमेंट मत करा करो। मालूम क्या होता है, हम यूट्यूबर हैं, हम वीडियो बनाते, कितनी मेहनत से बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देखो, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप मत देखो। अगर आप अच्छे कमेंट नहीं कर सकते तो किसी के बारे में ना गलत कमेंट भी मत करो। तो ये तो नंदिनी की बात होगी जो आप लोग कर रहे थे, और दूसरी मैं करूँगी गौरव जी के बारे में। मालूम क्या होता, अगर किसी का पति घर में काम कर रहा है, अगर उसने बर्तन धो दिए या झाड़ू लगा दिया, तो उसमें गलत क्या हो गया है। ऐसे कितने घर होंगे जितने, जिसके हस्बैंड काम नहीं करते होंगे। मालूम क्या होता, बस फर्क इतना होता है, कई लोग कैमरे के सामने करते हैं और कई लोग कैमरे के पीछे करते हैं। जो लोग कैमरे के पीछे करते हैं उनको तो कोई देखता नहीं है, वो कैमरे के आगे कर रहे हैं तो लोग कॉमेंट करने लगे कि आप बर्तन धो रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, घर का ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो। भाई ये बताओ, अगर इंसान काम कर रहा तो इसमें गलत क्या है? अगर वो अपनी वाइफ का हाथ बटा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? हम हाउस वाइफ में कभी बीमार भी पड़ जाती हैं, कभी ऐसी सारी बीमारी भी आ जाती है तो घर का काम करना पड़ता है, और घर में बच्चा छोटा है, उनका भी बच्चा छोटा है, जैसा मेरा अयान है ना वैसा उनका बेटा भी छोटा है, और उनके बेटे का भी अयान नाम है और मेरे बेटे का भी नाम अयान है। तो मालूम क्या होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है काम करने में। आजकल औरत और आदमी दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया। वो सोच पहले की अलग थी, जो कहते थे कि आदमी घर में काम नहीं कर सकते, वही कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि कल रात में उनका मैंने वीडियो देखा था, तो वो दोनों लोग बैठे हुए थे, सफाई दे रहे थे इसी बारे में। मालूम क्या होता है, जब हम लोग ब्लॉग बनाते हैं तो हमारे रिश्तेदार भी देखते हैं, दोस्त भी देखते हैं, फैमिली वाले भी देखते हैं, जितने रिलेटिव होते हैं सारे देखते हैं, तो ये मैसेज है ना गलत जाता है, लोग गलत समझते हैं। लेकिन हाँ, जो समझदार लोग हैं उनको पता होता है,
और कई लोग ऐसे होते हैं उस चीज़ को ना गलत वे में ले जाते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई किसी के बारे में गलत मत बोलो, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो गलत में मत बोलो। और घर का काम करना कोई गलत बात नहीं है, हर इंसान करता है। मैं अपनी बताती हूँ, जब मेरा अयान मैंने कंसीव किया था उसको, तो उस टाइम पे, क्योंकि मेरा अयान काफ़ी दिनों बाद हुआ था, काफ़ी सालों के बाद हुआ था, तो उस टाइम पे क्या था, मेरा बेड रेस्ट था, तो उस टाइम पे तो मैंने अपनी बहन को बुला लिया था, मेरी मम्मी आ गई थी, तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, तो मुझे कोई काम करना नहीं पड़ा था। और जब मेरा अयान हो गया था, 1.5 महीने का हो चुका था मेरा अनु, और उसके बाद मालूम क्या हुआ था, सर्दी शुरू हो गई थी। तो सर्दियों में क्या होता, बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, अगर आप कपड़े धोओगे या फिर बर्तन धोओगे, कोई भी काम करोगे, और जबकि मैंने अपनी हाउस हेल्पर लगा रखी थी बर्तन धोने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, तो बस क्या होता था, कपड़े धोने पड़ते थे। लेकिन अयान के डैडू ने कपड़े धोए, कपड़े धोने में क्या बुराई है, मशीन में पानी भर दिया, कपड़े डाल दिए, धुल गए, कोई हाथ से तो धोना नहीं है। तो अगर अपने घर में कोई इंसान काम कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है, मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ। अगर इसमें आपको कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये चीज़ आपने गलत बोली है। लेकिन हाँ, ये है, किसी के बारे में अगर आप इतना जानते नहीं हो तो किसी के बारे में आप गलत मत बोलो। तो बस यही मुझे बोलना था नंदनी के बारे में, गौरव जी के बारे में। वो अपनी मर्जी से गई है अपने घर, उसके मम्मी पापा को उसकी ज़रूरत थी तो वो चली गई है। और गौरव जी के बारे में लोग इतना बोलते, मत बोला करो भाई किसी के बारे में, भाई उनकी भी फैमिली है, घर वाले हैं, सब हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। मालूम क्या होता है, जब लोग चार लोगों में बैठते हैं तो लोग बोलने भी लग जाते, कई लोग ऐसे होते बोलने लग जाते हैं, अरे आपको लोग ऐसा बोल रहे ऐसा बोल रहे, तो फिर उस टाइम पे ना थोड़ी सी शर्म महसूस होती है ना, हर किसी को होती है। तो भाई किसी के बारे में ऐसा मत बोलो, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और ये वीडियो मैंने उनके लिए ही बनाया था स्पेशल, और कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि मैं उनके हमेशा वीडियो देखती रहती, मुझे अच्छे लगते हैं उनके वीडियो से ना कुछ सीखने को मिलता है, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी बात करूंगी मैं उनके बारे में जो मैंने की है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं करूंगी यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना कैसा लगा है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अनु मम्मा ड्रीम। तो मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।